नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। स्वागत है आप सभी का CCN न्यूज 24 में। आज 26 जून को, जी हाँ वही 26 जून जिसमें मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज को देवलोक हुआ था, इसी उपलक्ष में आज संपूर्ण जैन समाज ने मिलकर निगम पार्षद संदीप कनिका जैन के सानिध्य में रोहिणी सेक्टर 11 के वार्ड 25 में एक पार्क का नामकरण किया, जिसका नाम भी मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के नाम पर किया गया और साथ ही साथ इस पार्क में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के उपलक्ष में देवेंद्र सोलंकी, नॉर्थ MCD मेयर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष योगी राम जैन, दिगंबर जैन, मंदिर प्रधान रविंद्र जैन, जिला भाजपा और मंडल के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान योगी राम जैन ने कनिका संदीप जैन की तारीफ की, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तरुण सागर जी महाराज के प्रवचन न सिर्फ जैन समाज के लिए है बल्कि पूरे विश्व के हर समाज के लिए प्रेरणादायी। आज यहाँ पर मुनि श्री तरुण सागर जी के नाम पर जो वाटिका का उद्घाटन किया है, क्या बताएंगे इस बारे में? आज हम सब यहाँ पर परम आदरणीय राष्ट्र संत तरुण सागर जी को नमन करने आए हैं और उन्हीं के की जनता उन्हीं का अनुसरण करे, धर्म का पालन करे। तो हमारी बहन ने कनिका जैन जी ने उनके नाम पर आज पार्क का नाम रखा। मैं लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। तरुण सागर जी राष्ट्रीय संत हमारे हुए हैं और जैन समाज के शीर्ष जो संत हैं उनमें नंबर वन जी विद्यासागर जी के बाद उन्हीं का नाम आता है और उनके वचन सुनने के लिए लोग बड़े लालायित रहते हैं। ऐसे महान संत के नाम से एक वाटिका का नाम रखना ये इस क्षेत्र का सौभाग्य है, उस वाटिका का भी सौभाग्य है कि वो अपने आप को आज ये वाटिका ये समझ रही होगी कि मेरा कितना बड़ा नाम हो गया है। मैंने अभी यही बात कही थी कि इस वाटिका में जो भी आने वाले हैं उसमें चाहे हम वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं, कुछ भी काम करें, तो उनके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये किसके नाम से वाटिका नाम रखा गया है। और ये चरितार्थ तभी होगा जब ये जैसे उनका नाम फल फूल रहा है पूरे जैन समाज में, पूरे विश्व में, तो ऐसे ही इस वाटिका में भी जो भी आया उसको ये रहे कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, देखभाल करनी है। देखिए, ये सेक्टर 11 में G6 में हमारा जैन दिगंबर मंदिर है और मंदिर वालों की काफ़ी समय से मांग थी कि हमारे मंदिर के सामने एक छोटा सा पार्क है, इसका जो नामकरण है वो राष्ट्र संत मुनि तरुण सागर जी के नाम पर इसका वाटिका का नामकरण हो। और आज बहुत ही सौभाग्य साली में समझती हूँ अपने आप को कि आज अपने जो हमारे दिगंबर मंदिर के जो हमारे साथी हैं, जो हमारे प्रधान जी हैं, आज उनका जो मैंने अपना प्रॉमिस किया था आज वो उनका वादा पूरा हो पाया है। और मैं हमारे लिए क्षेत्र के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इसके नामकरण के लिए हमारे नव नियुक्त उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर बड़े भाई राजा इकबाल सिंह जी और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री जोगी राम जैन जी उसका नामकरण के लिए आज साक्षी बने हैं। तो मैं अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। तरुण सागर जी राष्ट्र संत थे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर पूरा हिंदुस्तान चलता है और जो उनके कड़वे वचन थे उन कड़वे वचनों के अंदर जितनी शुद्धता थी, जितनी मधुर वाणी उनकी होती थी, लेकिन उनके उन वचनों में कोई ना कोई समाज हित के लिए, देश हित के लिए और परिवार हित के लिए कैसे हम संयुक्त परिवार रहें, अनेकों उनके प्रवचन जो आप सुनेंगे जो यूट्यूब पर उनपे बहुत सारे उनके प्रवचन हैं उनमें देखेंगे, निश्चित रूप से ही समाज को उनसे लाभ मिलेगा। और संत जो हमारे रहे हैं तरुण सागर जी, हमेशा इस देश पर उनका आशीर्वाद बना रहे और इस कोरोना काल में अगर हम सब आज इस तरह खड़े हैं तो वो सिर्फ इन संतों और महापुरुषों के कारण ही खड़े हुए। देखिए, आज हृदय के सम्राट और हमारे राष्ट्रीय संत तरुण महाराज जी की 54वीं अवतरित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्यशाली है कि हम 11 सेक्टर में रहते हैं और उसी पार्क में जिसमें घूमते हैं आज उसके नाम के रूप में वाटिका बनी है और हमारा क्षण होगा कि वो कड़वे प्रवचन से जाने जाते थे, हर तरह के हम सम्राट थे, उन्होंने अपनी बात कही, राष्ट्र के निर्माण के लिए कही। अनिल जी, क्या बताएंगे आज आपने यहाँ पर जो पार्क का उद्घाटन करवाया है जिसका नाम जो तरुण सागर जी महाराज के नाम पर ये वाटिका तैयार किया, क्या बताएंगे इस पर? ये राष्ट्र संत तरुण सागर जी के नाम पर ये वाटिका का नाम संस्करण किया गया है। आज उनका आज जन्म दिवस है, इस पर्व के लिए ये वाटिका को नाम संस्करण कराया गया है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सॉरी जिलाध्यक्ष हमारे देवेंद्र सोलंकी जी और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी
और अपना जोगी राम जी और मेयर अपना महापौर अपना इकबाल सिंह जी मौजूद थे और ये प्रोग्राम जिस तरीके से चल रहा था अच्छे तरीके से पर मनाया गया। जो वृक्षारोपण हुआ है ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और ये ऐसे कार्य चलते रहने चाहिए आगे भी। पार्क का नाम जो तरुण सागर जी के महाराज पे रखा गया ऐसा क्यों? राष्ट्र संत है जी और क्रांतिकारी है, बोलते कड़वा है लेकिन बाद में वही बोल मीठे लगते हैं उनके। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ और महाराज श्री जो जैन संत हमारे आदरणीय श्री तरुण सागर जी महाराज जो जैन समाज के ही संत नहीं वरन संपूर्ण समाज के संत थे और आज भी हैं और इनके संदेश कड़वे जरूर थे लेकिन जन जन के संदेश थे, जो आज की ज़रूरत है उससे संबंधित संदेश महाराज जी ने दिए हैं लोगों को और जो प्रेरणा के स्रोत हैं। क्या नाम आपका? संकल्प। संकल्प जी क्या बताओगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसे ये नामकरण हुआ पार्क का ये अच्छा हुआ क्योंकि इससे ना जैसे यंग जनरेशन होती है उनको पता लगता है कि ये कोई हमारे गुरु थे जो इतने महान थे और हमें मोटिवेशन मिलती है कि उनके बारे में फिर पता लगता है हमें तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम उनके पाथ पे चलें और उनके जैसा बने। इधर ही आ जाओ। हाँ इससे भी कर देते हैं जी। दिनेश जी ये तरुण सागर महाराज जी हमारे गुरु हैं और सारे हिंदुस्तान में इनका पूरा नाम है, इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है और इनके प्रवचनों में जहाँ भी इनका प्रवचन होता है 10,000-15,000 आदमी की भीड़ होती है और चलता आदमी रुक जाता है, सुनता है कि हाँ ये कौन से संत हैं। कई संत तो ऐसे होते हैं जब ये बिहार करते हैं तो ये देखते हैं कि ये वे वाले संत हैं जो टीवी पर आते हैं बहुत तेज बोलते हैं तो वो देख के अचंभा मानते हैं कि हम इतने बड़े संत के दर्शन मिल रहे हैं हमें। ये तरुण सागर महाराज ऐसे महाराज थे लेकिन अब यहाँ नहीं रहे, देवलोक हो गया इनका, लेकिन अगर ये यहाँ होते तो हिंदुस्तान की रौनक ही अलग होती। बोलो जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। वात्सल्य मूर्ति तरुण सागर महाराज जी के हम बहुत निकट थे और जब वो रोहिणी सेक्टर 3 में आए थे तो हम रोज 6 बजे उनके दर्शन के लिए जाते थे तो काफी परिचय बढ़ गया था उनसे और वो अचानक से उनकी बीमारी के कारण जब जाना हुआ तो हम बहुत आहत हुए और उनके प्रवचनों को हम अभी तक अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जय जय।